आप सभी लोग यार गाड़ी का नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, स्कॉर्पियो एन 4 एक्सप्लोर वाला एक गाड़ी का हमारा मॉडल है। गाइस कैसे हैं आप सभी, मुझे उम्मीद है कि भाई आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के लेटेस्ट और फ्रेश एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को यार यहाँ पर ना स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में ना गाइस हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर यहाँ पर स्कॉर्पियो एन वाला मॉड फाइनली आ चुका है। ठीक है, बट स्कॉर्पियो एन लाने के लिए ना आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर आप स्कॉर्पियो एन लेकर आ पाओगे अपने गेम के अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत बढ़िया, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर आप ये सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भाई एक गाड़ी मंगा लेता हूँ। 55 नंबर से कोई गाड़ी आ रही है क्या? 4547 से आती है क्या? 4545 इससे भी नहीं आती, 6666 इससे कौन सी गाड़ी आ रही है? ऑल राइट, तो फाइनली हमारी रेंज रोवर आ चुकी है। तो रेंज रोवर भी भाई की देखो गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इस रेंज रोवर को ना यहाँ पर स्कॉर्पियो एन के अंदर ना भाई कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये गाड़ी हमारी स्कॉर्पियो एन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये उसके साइज़ की भी एकदम मस्त लग रही है, बट मेरे को कलर भाई वाइट चाहिए, इसमें रेड कलर है ना, तो मेरे को स्कॉर्पियो एन का कलर वाइट चाहिए। तो सबसे पहले ना मैं इस गाड़ी का कलर वाइट करूँगा। ऑल राइट गाइस, तो चलो अब सबसे पहले ना हम इस गाड़ी का कलर वाइट करते हैं, तभी तो जाकर मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया, अब मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, और फ़ोन निकालने के बाद हम यहाँ पर, ये तो हमारा इस गाड़ी का हो गया। ठीक है, इससे हम स्टिकी बॉम्ब कर सकते हैं, मैग्नीफाइन से हम इंटरनेट चला सकते हैं, इससे कर सकते हैं क्या हम, इससे RSG टूल आएगा भाई। ये मॉडिफिकेशन का किधर से आता है? शायद से यहाँ से, हाँ यहीं से आ रहा है, यहीं से। ऑल राइट, ठीक है, तो मैंने इसको वो कर दी, RGB में कर सकता हूँ, बट RGB करके वाइट करनी होगी। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, गाड़ी को RGB कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसका वाइट कलर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ऊपर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर वाइट कलर आ गया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, गाड़ी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा सही लग रही है ना भाई, अब ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो चलो अब हमें इसे रैंप के ऊपर लेकर जाना है। बहुत ही बढ़िया, चलो भाई अब इस गाड़ी के अंदर फाइनली हम बैठ चुके हैं। बहुत सही, अरे यार ये यार गाड़ी चलने से पहले ये भिखारी लोग जैसे आते हैं ना, उसी तरीके से यार यहाँ पर ये बंदे लोग आ जाते हैं, इसीलिए भाई मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता है। बस यार कुछ भी करने जाओ यार बंदे लोग पहले आ जाते हैं। चलो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इस गाड़ी को जल्दी से हम इधर से भगा कर लेकर चलते हैं। मुझे दूसरी तरफ दोस्तों इस गाड़ी को लेकर जाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं फ़िलहाल अभी गाड़ी को फुल स्पीड में दोस्तों यहाँ पर जो है भगा रहा हूँ। अरे भाई 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 यार, मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि गाड़ी के साथ ऐसा कुछ सीन होगा, बट गाड़ी के साथ भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया है, एंड मेरी गाड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है पलट चुकी है। तो चलो कोई ना, हमने गाड़ी को दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है, एंड इसको फिर से हम जो है यहाँ पर लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया, सबसे पहले ना मुझे गाड़ी की वहाँ से भाई जंप करानी पड़ेगी, तो चलो हम अपनी गाड़ी की जंप करा देते हैं। और भाई जैसे हम अपनी गाड़ी की जंप कराएंगे ना, फिर देखिएगा गाइस यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। चल 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 मेरी गड्डी, फुल स्पीड में चल, फुल स्पीड में तुझे ऊपर पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। ओ भाई बम्पर भी गया, हर चीज़ गई भाई गाड़ी की, देखो हर चीज़ यहाँ पर टूट फूट गई है भाई रेंज रोवर की, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। स्कॉर्पियो एन अगर बनानी है ना, तो इतना कुछ तो देखो भाई यहाँ पर हमें इस मतलब रेंज रोवर के साथ यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना तो भाई भूल जाओ, फिर यहाँ पर स्कॉर्पियो नहीं बनती और ना ही हमारे गेम में भी वो गाड़ी आएगी। ठीक है, चलो अब दोबारा से इस गाड़ी को हम लेकर चलते हैं यहाँ पर ऊपर। देखो भाई मैं गाड़ी को बड़ी आराम से लेकर जाऊँगा, मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने वाला, वरना तो भाई गाड़ी वाड़ी यहाँ से गिर जाएगी तो फिर बड़ी मुशक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलो यार फाइनली बढ़िया 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 भाई, हमने तो फुल स्पीड कर रखी है फिलहाल, अभी गाड़ी की फुल स्पीड है, फुल स्पीड में चल 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 भाई, इतनी हल्की स्पीड है क्या भाई रेंज रोवर की? यार यार गाइस रेंज रोवर के बस की बात मेरे को लग नहीं रही है भाई, ये रैंप चैलेंज को प्रॉपर पूरा कर पाएगी भाई? रेंज रोवर के बस की बात नहीं थी दोस्तों, और ये रैंप चैलेंज को यहाँ तक तो नहीं कर पाई, बट चलो सक्सेसफुली पहले ना हमें इसे नीचे उतारना होगा ऐसे का ऐसे ही। ओ बढ़िया 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 बढ़िया,
अरे यार गलती से पीछे से गिरी यार मेरी गाड़ी, एंड मेरी गाड़ी के लिटरली यहाँ पर दरवाजे वरवाजे हर चीज़ ही तो भाई डैमेज हो गई यार, हर चीज़ डैमेज हो चुकी है मेरी गाड़ी की। यार मैं क्या ही करूँ यार, चलो तो कोई ना, अब ना मुझे छोटा मोटा चैलेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस पर कोई भी रैंप चैलेंज नहीं करेंगे ना दोस्तों, वो वाला चीट कोड यहाँ पर एक्टिवेट ही नहीं होगा। चलो कोई ना, अब मुझे छोटा मोटा चैलेंज करना है, तो एक काम करता हूँ मैं ना सामने वाली उस बिल्डिंग पर लेकर चलता हूँ, एंड वहाँ से ना हम कोई ख़तरनाक टाइप का चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या पता गाइज यार यहाँ से कोई चैलेंज हमारा वर्क कर जाए और हम यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलो गाइज फाइनली अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सही, आराम से, बहुत बढ़िया, आराम आराम से लेकर जाऊँगा मैं, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया, क्या बात है गाइज। मुझे ना इस चैलेंज के बीच में से इस गाड़ी को ना कुदानी पड़ेगी, अगर मैं इस चैलेंज के बीच में इस गाड़ी को कुदा दूंगा ना तभी जाकर दोस्तों ये चीट कोड ना अप्लाई होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से भाई, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, बहुत ही बढ़िया, चलो भाई बहुत सही, बहुत बढ़िया, चल मेरी धन्नो, चल मेरी धन्नो, चल चल, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है मेरी धन्नो रेंज रोवर, तू कर सकती है। तो गाइस बस रेंज रोवर के बस की बात इतनी थी, इससे ज़्यादा खतरनाक चैलेंज नहीं कर सकती है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, जितना भी हमने चैलेंज किया किया, बस हमें एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर करना है, अपनी गाड़ी को ना बस थोड़ी सी तोड़नी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब हम गाड़ी के अंदर से निकलते हैं, और गाइस गाड़ी के अंदर से निकलने के बाद ना अब हमें दो चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं वीडियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको गन निकालनी है सबसे पहले, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओ भाई कहाँ निकल कर गई, बहुत ही बढ़िया। अब गाइस ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो अब ना मेरे को ये गाड़ी यहाँ पड़नी चाहिए, ठीक है, मैं इस गाड़ी को नीचे फेंक करना वहाँ सामने चलता हूँ, एंड वहाँ पर मुझे ना चीट कोड अप्लाई करना, बट चीट कोड मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ एंड मेरी स्कॉर्पियन उधर ही आ जाएगी, ठीक है। तो चीट कोड यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए दोस्तों, #*00#*, ठीक है। और गाइज अब ना आप सभी लोग देख सकते हैं वो गाड़ी तो यहाँ पर गायब हो गई, अब हमारी दूसरी कार यहाँ पर आने वाली है भाई, तो चलो चलते हैं। इस चीट कोड को अप्लाई करने से फाइनली दोस्तों यार मुझे मिल चुकी है यहाँ पर जायंट स्कॉर्पियो N। आप सभी लोग यार गाड़ी का नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, स्कॉर्पियो N 4 एक्सप्लोर वाला ये गाड़ी का हमारा मॉडल है, एंड गाइज यार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में फाइनली दोस्तों हमारी स्कॉर्पियो N गाइज आ चुकी है, एंड यार आपको ना बस यहाँ पर ये वाला चीट कोड अप्लाई करना है, जो कि मैंने अप्लाई किया, बट उससे पहले आपको यार ये वाली यहाँ पर ना ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं यार हमारी स्कॉर्पियो N गाइस आ चुकी है फाइनली यार हमारे गेम के अंदर। भाई साहब क्या तगड़ी गाड़ी लग रही है भाई, ये तो जायंट स्कॉर्पियो N है भाई, एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना पूरे शहर में इससे बड़ी गाड़ी यार मैंने अभी तक नहीं देखी, इतनी बड़ी कार यार ये यहाँ पर लग रही है, रोड से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है। भाई साहब आपको इस गाड़ी कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा गाइस, बड़ी खतरनाक कार लग रही है भाई।